गाइज, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपना चैनल सर्च में कैसे ला सकते हैं। YouTube की 12 सेटिंगों के तहत आप अपना चैनल सर्च में ला सकते हैं। चैनल सर्च में लाने के लिए सबसे पहले आपको YouTube में कोई भी काम नहीं करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर ले रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइप करना, जैसे हम टाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखना स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम। आपको पूरा पूरा मतलब पूरी स्पेलिंग टाइप करनी है, नीचे वाली किसी भी साइट को टच नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आएगा कुछ इस प्रकार से। अब आपको सिंपली, मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ, अब आपको सिंपली इस पेज को स्क्रॉल करना है ऊपर और नीचे। यहाँ आप देख रहे हैं एक सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा आपके सामने। अब आपको चैनल के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। आपकी सभी सेटिंग यहीं से ओपन होने वाली हैं। पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आपको कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे हम यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ले रहे हैं। आप जिस भी कंट्री से उसी कंट्री को सिलेक्ट करिए, जाके यूट्यूब आपकी वीडियो उस कंट्री की उस लैंग्वेज में ज़्यादा जल्दी अपलोड करेगा। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको सबसे जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, आपका जिस नाम से चैनल है आपको उसी नाम के कीवर्ड्स यहाँ पर कई सारे कीवर्ड्स जोड़ देने हैं। जैसे हम यहाँ से कीवर्ड्स कई सारे जोड़ रहे हैं इस प्रकार से। आपको कुछ गलत कुछ सही स्पेलिंग से कीवर्ड्स को जोड़ देना है। यहाँ से एक सेटिंग आपकी ओपन होती है, उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग पे आना है। यहाँ आपको सिंपली यहाँ आएंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर अपना चैनल किस लिए किसके लिए यूज करना बना रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं, यदि नहीं तो आपको सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको इस प्रकार सीधे स्क्रॉल करना है। जो इसमें मेन सेटिंग होती है वो होती है फीचर एलिजिबिलिटी, जो यहाँ बगल में आप देख रहे हैं। आपको बगल वाली सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पर तीन सेटिंग होती हैं, जैसे यहाँ देख लें, पहले इनेबल है और दो इनेबल हैं, तो इनको आपको इनेबल करना है। जैसे आप इनको इनेबल कर देंगे, यहाँ पहले आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में यहाँ टाइप कर देना है इसमें क्लिक करके। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो जो आपको इनेबल दिखा रहा है यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। और जो दूसरी सेटिंग देख रहे हैं आप, ये इनेबल का है, यहाँ से भी आप इसको, यहाँ आप किस आईडी के प्रूफ बना रहे हैं वो आप यहाँ डाल के सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके यूट्यूब चैनल की सभी सेटिंग